हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सभी को पूनम प्रदीप ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं गाइस? तो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहिए। तो देखिए, अभी हम मंदिर आए हैं पूजा करने के लिए। आज सावन का लास्ट सोमवारी है तो पूजा करने आए हैं, अभी खड़े हैं। तो चलिए पूजा करना शुरू करते हैं। तो पूजा करना शुरू हो गया। देखिए, पहले जल चढ़ा लेते हैं। शिव भगवान, शिवलिंग को जल चढ़ा लेते हैं। और हमारे हस्बैंड भी हमारे साथ हैं और दोनों को ही साथ में आज हम लोग पूजा करने आए हैं। तो जल चढ़ा रहे हैं, देखिए। तो बहुत ही आनंद आता है, सावन में पूजा करना बहुत ही अच्छा लगता है। और पूरे सोमवार हम पूजा किए हैं और आज तो लास्ट दिन है और भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो पूजा करके अभी तो मंदिर खाली है, नहीं तो मंदिर में बहुत भीड़ था। जब आए थे उस समय बहुत भीड़ था। तो देखिए कितना अच्छा हुआ, अभी हमारे पूजा करने समय मंदिर खाली हो गया है। तो देखिए, जल चढ़ाना हो गया, अब चलते हैं शिव शंकर जी को। उनका मनपसंद माला है अकुंद माला, उनको पहना देते हैं दोनों को ही अपने हाथ से। तो हम लोग पहना दिए, उसके बाद फूल चढ़ा देते हैं। तो दोनों को ही फूल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा दिए। अब हम 11 बेलपत्तर मेरा है तो, और 11 बेलपत्तर उनका है। घर से ही मतलब सब सजा के लाए थे, बस मंदिर में पूजा करना है। तो देखिए, 11 बेलपत्तर उनको दे दिए, 11 तो हम ले लिए। और अब बेलपत्ता चढ़ाना शुरू करते हैं हम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल के 11 बार हमको चढ़ाना है। तो देखिए, हमारे हस्बैंड भी हमारे साथ चढ़ा रहे हैं। तो हम उनको बोले पहले हमको चढ़ा ले, मतलब हम चढ़ा लेते हैं एक बार, मतलब हमारा 11 बेलपत्तर एक साथ चढ़ जाएगा, फिर उनका चढ़ेगा। तो हम अपना चढ़ा रहे हैं। तो फिर बेलपत्तर चढ़ाना हो गया है तो अब हमारे हस्बैंड जी चढ़ा रहे हैं, उनका 11 बेलपत्तर चढ़ा रहे हैं। और उनके साथ नमः शिवाय का मंत्र भी जाप कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कर रहे हैं, क्योंकि बेलपत्तर चढ़ाने समय ओम नमः शिवाय बोल के ही बेलपत्तर चढ़ाना चाहिए। तो हम ऐसे ही चढ़ाते हैं। तो देखिए, हमारे हस्बैंड बहुत मतलब अच्छा से बेलपत्तर चढ़ा दिए। अब दोनों को ही फल चढ़ाएंगे। तो एक केला चढ़ा दिए दोनों को ही हाथ में पकड़ के। और अब इसके बाद हम लोग चढ़ाते हैं लाल बतासा। तो लाल बतासा भी लिए थे तो भोले बाबा को लाल बतासा दे दिए। उसके बाद गुजिया लाए हैं, छोटा छोटा गुजिया है उनका, उनका फेवरेट मिठाई है शिव शंकर जी का। तो गुजिया भी चढ़ा दिए। और उसके बाद नंदी बाबा को फूल चढ़ा दिए और जितने भी मतलब वहाँ पे हैं देवी, सभी को चढ़ा दिए। तो चढ़ाना हो गया फूल। तो अब हमको क्या करना है, इसके बाद अगरबत्ती जलाना है। और अगरबत्ती जला रहे हैं तो देखिए, अगरबत्ती जल नहीं रहा है क्योंकि बहुत हवा चल रहा था उस दिन और पूरा मंदिर खुला हुआ है और हवा बहुत दे रहा था। तो मेरा बार बार हम जला रहे हैं बंद, मतलब अगरबत्ती जल नहीं पा रहा था, बंद हो जा रहा है। और देखिए, मंदिर के चारों तरफ मतलब शिव शंकर भी लगे हुए हैं दीवार में। और ये हमारे घर के पास का ही मंदिर है, हमारे घर के पास में ही है। तो अब हम अगरबत्ती दिखा रहे हैं, तो दिखा लेते हैं सबको, जितने भी है वहाँ पे देवी देवता जितने भी हैं। पहले शिवलिंग को दिखा दिए और प्रणाम कर लिए और अब आगे जाते हैं। और उसके बाद नंदी बाबा को अगरबत्ती दिखा देते हैं, वहाँ पे छोटा छोटा शिवलिंग रखा हुआ है, सभी को दिखा दिए। और इधर में शंकर भगवान है दीवार में, उनको भी दिखा दिए। यहाँ पे है तारा माँ है, उनको भी दिखा दिए।
अब अपने हस्बैंड को दे दिए अगरबत्ती, अब वो भी दिखाएंगे। तो देखिए वो भी दिखा रहे हैं और हम थोड़ा प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को, मनी मन उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड चले गए उधर अगरबत्ती दिखाने। अब उनका होने के बाद और हम प्रणाम कर रहे हैं, माथा भी टेक लेते हैं। तो अब मेरे हस्बैंड का हो गया। अब अगरबत्ती को नीचे लगा दिए, नीचे है अगरबत्ती लगाने वाला वहीं पे मंदिर के पास में, तो वो लगा दिए। देखिए जितने भी देवी माँ हैं और गणेश जी हैं, नंदी बाबा हैं, सभी को हमने प्रणाम कर दिए। और मेरे हस्बैंड भी, अभी उनका नहीं हुआ है, वो आ रहे हैं। तो देखिए अच्छी तरह से प्रणाम कर लिए सभी को और अपने हस्बैंड को बुला रहे हैं। देखिए हमारे हस्बैंड आ रहे हैं और वो भी आ गए और दोनों को मिल के देखिए दोनों को साथ में प्रणाम किए हैं। तो